क्या कहा समझो, सबसे साउथ वाला पॉइंट है ये वाला एरिया जो ये बीच बना हुआ है, बिल्कुल साउथ में। हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया? तो भाई एक और नया दिन सिंगापुर में, और अभी बज रहे दिन के 2। भाई बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत ही गर्मी है, हालत ख़राब हो गई। वैसे मैं आज जा रहा हूँ सेंटोसा आइलैंड, तो मैं आपको सेंटोसा दिखाऊँ, वहाँ पर बहुत सारे बीचेज़ हैं, कुछ उसके बारे में बताऊँगा। आज पूरा दिन सेंटोसा का होने वाला है, और मैं कैसे जा रहा हूँ, मेरी क्या जर्नी है मैं वो बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, मुझे लग रही है भूख, क्योंकि 2 बज गए तो कुछ खाना बनता ही है। कोई यार लेट उठा था मैं, सोता भी लेट ही हूँ भाई, वीडियो एडिट करने है, ट्रांसफ़र करने में भाई टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो भी अभी तक आई नहीं है, तो मैं वो भी डाल ही रहा हूँ धीरे धीरे। तो चलो पहले मैं कुछ खाता हूँ। यहाँ पे देखो एक सामने इंडियन रेस्टोरेंट है, इसमें भाई डोसा बहुत सस्ता मिलता है, $2.5, मतलब यहाँ $2.5 तो मान के चलो, करीब 200 रुपये के आसपास था, तो यहाँ डोसा मिलता है। तो ठीक है चलो, 200 रुपये में काम चला था, ठीक है इसका डोसा, मतलब मैं कहूँगा नहीं कि बहुत ऑथेंटिक है, बट ठीक है, सबसे सस्ता इसी के पास है। तो चलो पहले कुछ खाते फिर मिलते हैं। तो भाई ये हूँ मैं अभी वीवो सिटी मॉल में। तो मेट्रो से कैसे आना है, मैं लिटिल इंडिया से आया हूँ, हार्बर फ्रंट यहाँ का मेट्रो स्टेशन का नाम है जहाँ तक आपको आना है। हार्बर फ्रंट से आप सीधे है ना अंदर आना वीवो सिटी की तरफ, और वीवो सिटी में हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, आप देख लेना। अगर आपको केबल कार से जाना चाहिए तो अगर आपको दिख रही होगी सामने केबल कार, वॉक करके जाना चाहिए तो उसका भी दिखेगा, और मैं जाऊँगा मोनोरेल से तो मोनोरेल का भी आपको बोर्ड दिखेगा, तो आप मोनोरेल से भी जा सकते हो। मैं रोपवे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली वियतनाम में बहुत बड़ी रोपवे ली थी, तो मैं लेना नहीं चाह रहा अभी रोपवे। तो भाई यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है इस मॉल के टॉप से, ये देखो। अपन उस साइड चल के एक बार व्यू देखते हैं, जब आपको साइड दिखा रहा हूँ एक बार उधर चल के भी व्यू देखते हैं। और भाई मैं निकला तो गर्मी में था, धूप में, और यहाँ पहुँचते बारिश, भाई मिनटों में वेदर चेंज होता है यहाँ पे, मतलब सच में यार। मैं निकला धूप में था, पहुँच बारिश में गया, ये देखो। भाई मैं ना आपको यहाँ से सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे क्या सिस्टम है। अब देखो यहाँ तो दिख रही है रोप वे, एक ये जाने का है, एक नीचे रास्ता दिख रहा है वॉक करके, वो ब्रॉड वे है, वो भी हिसाब से 2.5 किलोमीटर होगा, मैं लिख दूंगा, आइडिया दिख नहीं रहा। और सामने दिख रही है मोनो रेल, देखो मोनो रेल भी आ रही है, देखो अगर आपको दिख रही होगी तो रुको जूम कर देता हूँ, ये देखो। तो ये 3 रास्ते हैं वहाँ जाने के लिए, और कैसे भी जा सकते हो, हालांकि मैं तो मोनोरेल से ही जाऊँगा, मैं दिखा देता हूँ मोनोरेल के कितने लगेंगे। और हाँ, जब मैं लिटिल इंडिया से यहाँ पर आया था तो मेरे $1.4 अप्रॉक्सीमेट 100 रुपये लग गए। भाई इस मामले में तो दिल्ली लाख गुना अच्छा है, कम से कम साला 50 रुपये गुड़गांव से नोएडा पहुँच जाते हैं। भाई महंगा है, झेलना पड़ेगा, घूमना है तो। बाकी पूरा आइलैंड दिख रहा है, देखो सेंटोसा, ये देखो पूरा सेंटोसा आइलैंड है। तो भाई मैं आ चुका हूँ फाइनली सेंटोसा आइलैंड पे, और जो लास्ट स्टेशन है वो है बीच स्टेशन, अपने को बीच स्टेशन आना होता है। तो और मैं बताता हूँ सबसे मेन चीज़, भाई $4 लगे मोनोरेल के, चार मैं सिंगापुरियन डॉलर बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट 250 रुपये भाई, 3-4 स्टेशन के सच में 250 रुपये। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये देख लो सेंट्रल बीच बाज़ार, ये पूरा यहाँ पर एक शो होता है, वो नाइट में होता है, वो 7 बजे बाद होता है, उसका तो शायद मेरे हिसाब से $20-25 फीस है, बट अभी अगर जाते हैं तो अभी फ्री एंट्री, बस हमें $5 का कुछ परचेज करना पड़ेगा। तो वो चलो दिन वाला भी शो देख लेते हैं, $5 में कुछ खा पी लेंगे, पी लेंगे कुछ, तो $5 का तो मैं वो ले लूँगा। बाकी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सेंटोसा म्यूजिकल फाउंटेन, जो भाई नाइट में तो बहुत ही मस्त होता है, बट हम फ्री का जुगाड़ देखेंगे कहीं से, भाई मैं पैसे नहीं दूँगा इतने के, तो
और ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है ऐसे देखो। भाई जो भी आपने देखा यहाँ पे होता है शो फाउंटेन शो, 4:30 बजे एक शो होता है, अभी 4 बजे आधे घंटे वहाँ वेट ही करता मैं तो देख नहीं रहा। दिन में इतना खैर मज़ा आएगा भी नहीं, नाइट में मज़ा आता है। और हाँ दिन में भी फ्री था, कोई $5 का कुछ लेने की जरूरी नहीं थी, हो सकता है इवनिंग में लेना पड़ता हो $5 का कुछ लो तब अंदर जाके शो देख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ इवनिंग वाला सिर्फ $5 ही हुआ तब मैं लूँगा, वरना नहीं लूँगा। बाकी अभी चलो हम एक्सप्लोर करते हैं बीच यहाँ का। और अभी तो भाई फाइनली बारिश तो रुकी है, तो चलो ये अच्छा है कि कम से कम घूम तो पाऊँगा, वरना भाई बारिश में तो परेशान ही हो रहे थे। तो यहाँ पे 3-4 बीचेज हैं, उन सब के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले हम बीच आ गए सिलोसो बीच। ये देखो लिखा हुआ है सिलोसो बीच, तो पहले ये बीच को देखते हैं उसके बाद और भी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं। भाई तो देख लो बहुत ही छोटा बीच है, शुरू होता ही ख़त्म हो गया। ये देखो यहाँ से शुरू है और वहाँ पे ख़त्म है, भाई बहुत ही छोटा बीच है। चलो अब आगे की तरफ देखते हैं और भी जगह देख के आते हैं क्या है यहाँ पे। बाकी ये बीच तो सच में बहुत ही छोटा है, एक बाय एक का बीच सच में। और यहाँ बीच के पास आपको ये रास्ता दिख जाएगा, ये देखो ये ऐसा रास्ता जा रहा है। तो इधर आगे देखते हैं आगे की तरफ क्या है, दूसरा बीच कौन सा है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। भाई ये देख लो बस सटल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पलावन बीच की तरफ आने के लिए। तो मैं पलावन बीच के बारे में था खैर आपको अभी बताता ही हूँ कोई मस्त चीज़, बट पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें बस में आना है, सटल बस बोलते हैं इसको, ये आपको बीच स्टेशन से मिल जाएगी और आप पूरा आइलैंड पर आप कहीं भी जा सकते हो इसमें। तो सबके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन सी बस कहाँ जाती है। तो ये बस जाती है मतलब इस ये लाइन है इधर पलावन बीच की तरफ, ये पूरा है पलावन बीच ये देखो। भाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस बीच पर भी इतनी मस्त मस्त लड़कियाँ होंगी, वो भी सिंगापुर में भी। चलो कई कंट्रीज में तो चलो बढ़िया एक से एक मस्त दिख जाती है, और भाई यहाँ भी दिखनी है बढ़िया। और यहाँ लोकल क्राउड तो है ही लेकिन फॉरनर क्राउड भी बहुत ही मस्त वाला है। तो चलो यहाँ की मस्ती तो आ गई, अब मैं आपको एक मस्त जगह दिखाने वाला हूँ और फिर एक चीज़ और बताने वाला हूँ। अभी देखो भाई सामने आइलैंड पे जाने के लिए ये ऐसा ब्रिज बना हुआ है और मस्त ब्रिज बना हुआ है, देखो बहुत हिल रहा है। तो भाई देख लो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था जो अभी आपने देखा, साउथ एंड पॉइंट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंटल। और भाई एशिया का समझो सबसे साउथ वाला पॉइंट है ये वाला एरिया जो ये बीच बना हुआ है बिल्कुल साउथ में। तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया अपन, तो अभी और चलो मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ बीच यहाँ से। ये देखो ये दो टावर जैसे बने हुए, तो इन पे भी अपन ऊपर चलेंगे, पहले इस पर चलेंगे यहाँ से व्यू देखेंगे फिर इस वाले से व्यू देखेंगे, तो व्यू अपन दोनों से एंजॉय करेंगे यहाँ पर। तो भाई टावर के ना बिल्कुल टॉप पे आ गए अपन, और टॉप से देख लो कितना सुंदर व्यू है। और भाई ये थर्ड फ्लोर पे भाई चलते चलते हालत ख़राब हो गई, पहली आज इतना चल लिया चढ़ के हालत ख़राब हो गई। तो मैं सिर्फ इसी टावर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ,
इस वाले पे नहीं जा रहा हूँ, इस पे भी जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ जाओ नीचे वाले फ्लोर से फिर ऊपर चढ़ो, व्यू फिर भी सेम ही आना है। तो भाई यहाँ से तो फिर भी व्यू ना सेम ही आना है, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि मैं अब उस टावर पर भी जाऊँ, तो यहाँ से भी ये भी ऑलमोस्ट व्यू है, वहाँ से भी यही व्यू है। तो भाई ये है पलावन बीच, इस बीच को बोलते हैं पलावन बीच, और वो है मोस्ट साउथर्न पार्ट वाला एरिया जो भी मैंने आपको इससे पहले दिखाया। तो आप यहाँ भी बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, नहा सकते हो, मस्तियाँ ले सकते हो। बाकी अभी अपन चलते हैं, थोड़ी देर कहीं बैठेंगे और इवनिंग होने का वेट करेंगे, क्योंकि अभी बज रहा है 5-2 घंटे हैं, मतलब 7:30 बजे के आसपास यहाँ पे शो स्टार्ट होगा, वो नाइट वाला जो अभी इससे पहले आपने देखा जहाँ मैं बता रहा था आपको शो होना है। और सामने 7-11 मैंने चलो वहाँ से कुछ ले भी लेते हैं, छोटा मोटा कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि भाई इस पर ही सस्ता मिलता है यहाँ पर, तो कुछ ले लेता हूँ और यहीं बैठता हूँ, कुछ पीने की मस्ती ले लेता हूँ यहाँ पर। और भाई यहाँ पर सामान देखो, इससे ये देखो